हरियाणा में एक बोलेरो कार में दो लोगों को जिंदा जलाए जाने से हड़कंप मच गया है। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। वारदात से इलाके के लोग हैरान हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में एक जली हुई कार के अंदर दो कंकाल मिलने से हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हंगामा बरपा है। लोहारू के बारवास गांव में लोग सोकर उठे ही थे कि दो कंकाल मिलने की खबर से दहशत में आ गए। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक नरकंकाल जो है वो आगे वाली सीट पे था, जबकि दूसरा नरकंकाल पीछे वाली सीट पे था। मामले की तफ्तीश शुरू की गई। जो कार का चेसी नंबर था उसके आधार पर कार के मालिक की पहचान की गई, उसके मोबाइल फोन को निकाला गया और उससे बातचीत की गई। एक पीछे वाली सीट के ऊपर और एक आगे वाली कनेक्टर सीट के ऊपर थे, दो कंकाल पड़े हुए थे। फिर हमने 112 पे डायल करके पुलिस को बुलाया। यहाँ पे आध घंटे के बाद पुलिस पहुंच गई थी। फिर नजदीक नहीं लगने दिया किसी ने, पुलिस वाले ने कुछ नहीं बताया, वही कार्रवाई में जुट गए। मैं भी पता चले कि हमारी ही बनी क्यों चुनी गई ऐसा वारदात करने के लिए, क्योंकि पहला ऐसा केस हुआ है हमारे एरिया में, तो ऐसा कोई केस था ही नहीं। शुरुआती जांच और परिवार वालों की निशानदेही पर ये माना गया कि ये जुनैद और नासिर ही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि डीएनए जांच के बाद और तस्वीर साफ हो पाएगी। जिंदा जलाए गए दो लोग जुनैद और नासिर हैं। हालांकि डीएनए टेस्ट होना बाकी है और इस बीच पीड़ितों के गांव में मातम पसरा हुआ है। भिवानी में जलती गाड़ी में मारे गए नासिर और जुनैद का ये गांव है जहां चित्कार है। ये वो गांव है जहां पे नासिर और जुनैद दो लोग रहा करते थे। नासिर ड्राइवरी का काम करता था और जुनैद की एक परचूनी की दुकान घाटमीका गाँव में थी। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। जुनैद के 6 बच्चे हैं, घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। ये जो मासूम 4 बच्चे आप देख रहे हैं ये जुनैद के हैं। जुनैद के करीब 6 बच्चे हैं। पास ही में एक दुकान पे वो परचूनी का काम किया करता था और पूरा परिवार जो है वो जुनैद के ऊपर डिपेंडेंट था। दोनों के शव बीती रात 2 बजे यहाँ पहुँचे, जिसके बाद यहाँ मातम पसरा है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा कहना यह है तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, तब तक डेड बॉडी को दफनाएंगे नहीं, तब तक हम मुलजिमों को पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकती और हमें न्याय चाहिए, तब तक हम लोग कदम नहीं हिलाएंगे बिल्कुल। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तमाम एंगल्स को निकाला जा रहा है। कहां से इन्हें किडनैप किया गया, कहां तक ले जाया गया, क्या मारपीट हुई थी।